क्या चीज़ जैसा पीना? एक सफ़ेद कबा होता है नीचे कर जो नहीं देखा होता, शायद दुनिया के किसी हिस्से में पाया जाता हो। तो एक डॉक्यूमेंट जब एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसे ही जैसे फोर्जरी के केस में फोर्ज डॉक्यूमेंट ही ना हो, कत्ल के केस में लाश ही ना हो, नॉर्कोटिक्स के केस में रिकवरी इन द फॉर्म ऑफ हेरोइन चर्स मुद्दा ही ना हो, माल मुकदमा ही ना हो, तो जब पूरा केस जिस डॉक्यूमेंट के इर्द गिर्द घूम रहा है, ये बात तो अब आप सब ने सुन ली है कोर्ट में बैठ के, कि जब मेन एविडेंस ही मौजूद नहीं है, उसको सरकार आप कैसे एक्सप्लेन करता है? उनको मौका तो देना चाहिए कि वो संभालें इस बात को। तो क्या समझते हैं सर, ये संभाल पाएंगे, आगे लड़ पाएंगे? नहीं, मैंने आज दिन तक ऐसा कभी कोई केस संभलते हुए देखा नहीं। इंशाल्लाह ये बरियत की तरफ जाता हुआ, चाहे खान साहब का केस हो चाहे जो मर्जी केस हो, देखिए वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी जो होती है ना, या पुअर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, वो लोअर कोर्ट्स तक की हद तक ज़रूर होती है। जैसे ही हम हाई कोर्ट आ जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं, हाई कोर्ट आते ही हमें बहुत उम्मीद होती है कि बेहतर एप्रिसिएशन होगी और बेहतर तरीके से एविडेंस को अप्रिशिएट किया जाएगा, और वही उम्मीद रख के हम हाई कोर्ट आते हैं। जी बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सलमान सिद्दर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और वो साइफर क्या चीज़ जैसा पीना? एक सफ़ेद कबा होता है नीचे कर जो नहीं देखा होता, शायद दुनिया के किसी हिस्से में पाया जाता हो। तो एक डॉक्यूमेंट जब एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसे ही जैसे फोर्जरी के केस में फोर्ज डॉक्यूमेंट ही ना हो, कत्ल के केस में लाश ही ना हो, नॉर्कोटिक्स के केस में रिकवरी इन द फॉर्म ऑफ हेरोइन चर्स मुद्दा ही ना हो, माल मुकदमा ही ना हो, तो जब पूरा केस जिस डॉक्यूमेंट के इर्द गिर्द घूम रहा है, ये बात तो अब आप सब ने सुन ली है कोर्ट में बैठ के, कि जब मेन एविडेंस ही मौजूद नहीं है, उसको सरकार आप कैसे एक्सप्लेन करता है? उनको मौका तो देना चाहिए कि वो संभालें इस बात को। तो क्या समझते हैं सर, ये संभाल पाएंगे, आगे लड़ पाएंगे? नहीं, मैंने आज दिन तक ऐसा कभी कोई केस संभलते हुए देखा नहीं। इंशाल्लाह ये बरियत की तरफ जाता हुआ, चाहे खान साहब का केस हो चाहे जो मर्जी केस हो, देखिए वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी जो होती है ना, या पुअर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, वो लोअर कोर्ट्स तक की हद तक ज़रूर होती है। जैसे ही हम हाई कोर्ट आ जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं, हाई कोर्ट आते ही हमें बहुत उम्मीद होती है कि बेहतर एप्रिसिएशन होगी और बेहतर तरीके से एविडेंस को अप्रिशिएट किया जाएगा, और वही उम्मीद रख के हम हाई कोर्ट आते हैं। जी बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सलमान सिद्दर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और वो साइफर